नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो TGT और PGT परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका विषय सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान है। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में हमारे सामने जो बड़ी चुनौती आती है वो होता है विषयों को चयनित करना। सामान्य तरीके में हमारे पास कुल 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला और बहुत ही पॉपुलर होता है राजनीति विज्ञान। पहला विषय हमारे पास होता है राजनीति विज्ञान। दूसरा विषय हमारे पास चयनित करने के लिए होता है इतिहास। और तीसरा विषय हमारे पास होता है भूगोल। और चौथा विषय होता है अर्थशास्त्र। चौथा विषय होता है अर्थशास्त्र। तो हमें सोशल साइंस के अंतर्गत इन्हीं 4 में से हमें कोई 2 विषयों का चयन करना होता है। इन्हीं 4 में से हमें अपने परीक्षा में सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हम इनमें से कौन से विषय को चयनित करें जो हमारे लिए ज़्यादा स्कोर कर सके, हम ज़्यादा नंबर को गेन कर सके। सामान्य रूप में आप सभी में से अधिकांश लोग, मैं अगर डाटा और आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 90% लोगों का विषय यही रखा जाता है, लोग राजनीति विज्ञान को ही रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो ज़्यादा लोग रखते हैं इतिहास को। इसको भी अगर हम ऑन एवरेज मान लें तो ये भी होता है तकरीबन 90% के आसपास लोग आप में से इतिहास को भी एक विषय के रूप में सोशल साइंस में चयनित कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है जियोग्राफी या भूगोल की। तो भूगोल को बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक नहीं करते हैं, मान के चलिए कि इसको भी 45-50% के आसपास लोग इसको अपने एक विषय के रूप में चयनित करते हैं। चौथा और आखिरी जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है, इसको चयनित करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसको ऐसे लोग चयनित करते हैं 25-30%, इसको ऐसे लोग चयनित करते हैं जिनका कभी न कभी अर्थशास्त्र को उन्होंने पढ़ा होगा। कोई एकदम से नया व्यक्ति या नया विद्यार्थी अर्थशास्त्र जैसे विषय को चयनित नहीं कर पाता। थोड़ा सा मिलती जुलती कंडीशन हमारी ज्योग्राफी के साथ भी होता है, इसको भी वही लोग नॉर्मली रखते हैं जो कभी न कभी ज्योग्राफी को पढ़े होते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर पीछे हम लोग देखें तो जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है उनको ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक तरह से देखा जाए तो ये साइंस की तरह ही कारण और कथन टाइप का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जब कोई रीज़न होगा तभी कोई परिणाम निकलता है। जैसा कि साइंस कहता है कि अगर कोई परिणाम निकला है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठीक उसी तरह से ज्योग्राफी में भी होता है कि अगर ये घटना घटित हुई है, अगर कहीं पर किसी विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, कोई हवाएं चल रही हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई एक कारण ज़रूर होगा। बिना किसी कारण के ज्योग्राफी में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से हमारे साइंस में होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे के परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और उसके लेबल और आपके द्वारा अटेम्प्ट और सफल विद्यार्थियों की चर्चा करें तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया ये मिलता है कि नॉर्मली अभी हम लोग जो पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम TGT का हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपको आराम से हो जाते हैं, या तो थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद आप निश्चित रूप से उसको कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें जो भी लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से अगर 63 क्वेश्चन आ रहा है तो 58-60 तक
उनके सवाल सही हुए हैं, और ऐसे लोगों के हमेशा सवाल सही होते थे जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ चुके हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ से पढ़ाए जाने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी कितना ज़्यादा सही किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में आपने देखा होगा कि बीते कई समय से, बहुत बार 2-3 साल पीछे के अगर एग्ज़ाम और क्वेश्चन पेपर पर आप नज़र डालेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इतिहास में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो हमारे 30-40 तक ही रह पाते हैं, हम उसको ज़्यादा गेन क्यों नहीं कर पाते हैं। माने कि 30 सवाल 40 सवाल अगर हमारे 62 क्वेश्चंस में से हम 40 सवाल तक भी पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब कंफर्म अगर नहीं है तो लगभग ये श्योर हो जाता है कि अब सिलेक्शन से हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं, क्योंकि इतिहास में जो पूछे गए वाले सवाल हैं अगर हम लोग पीछे के सवालों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वहाँ पर जो सवाल पूछा गया है या तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, और या तो हमें न तो वो किसी किताब में मिलता है न तो हमारे द्वारा उसको पढ़ा गया होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इतिहास के सवालों को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो एक विषय जो पॉलिटिकल साइंस है वो तो आपके लिए एकदम सेफ है, लेकिन अब आपके सामने इन तीनों में से अगर आपको सवालों को थोड़ा सा देखना हो तो आप किस विषय को ज़्यादा चयनित करेंगे, मेरी किसी बात पर आपको नहीं समझना है, मेरी किसी बात के आधार पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन लेना है पूछे गए सवालों को देखते हुए, क्या पीछे जो भी हमारे एग्ज़ाम TGD के हुए हैं उसमें से सवाल आपको इतिहास वाले ज़्यादा आते हैं, भूगोल वाले ज़्यादा आते हैं, या फिर अर्थशास्त्र वाले आते हैं। अगर आप 30-40 क्वेश्चन हिस्ट्री में पहुँच रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि हमारे अधिकांश साथी ऐसे हैं जिनका इतिहास से एक बड़ा लगाव रहा है, चाहे वो हाई स्कूल लेवल से बात करें, इंटर लेवल की बात करें, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो इन सभी स्तर पर उनका इतिहास एक बहुत ही लोकप्रिय और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में रहा है। लेकिन ऐसे विषय से हमें क्या मतलब जब हमारा सिलेक्शन ही वो विषय ना करवा पाए। तो थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी या भूगोल के विषय में भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि क्या हमारे दूसरे सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को भी हम रख सकते हैं या नहीं। अगर आप भूगोल को दूसरे सब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं तो निश्चित रूप से, चूँकि अगर हम इतिहास और भूगोल इन दोनों विषयों की अगर तुलना करते हैं तो कंपेरेटिव में अगर देखेंगे तो इतिहास के सवाल थोड़े से टफ हैं जबकि ज्योग्राफी के सवाल आसान हैं। माने कि अगर यहाँ से आप 50 या 50+ 55 तक आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, माने 55 से अगर 50 से 55 पहुँच रहे हैं और 50 से 55 आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री में पहुँच रहे हैं, तब तो आपका सिलेक्शन ठीक है। लेकिन अगर आप इतिहास में इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या आपने पिछले 1-2 साल में इतिहास को अपने दूसरे विषय के रूप में रख के देखा है, तो मेरे अनुसार आपको एक बार भूगोल या फिर अर्थशास्त्र की तरफ भी मूव करके देखना चाहिए। अर्थशास्त्र थोड़ा सा टफ हो जाता है इन कंपैरिजन टू ज्योग्राफी। अगर आपको लगता है कि पिछले 3 बार या 2 बार से हमने इतिहास विषय को रखा और हमारा स्कोर उसमें ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो आप एक बार भूगोल विषय पर भी थोड़ा सा नज़र डाल के देख लें। हो सकता है कि आपके लिए ज्योग्राफी एक बेहतर विषय के रूप में आपके सामने आए और आपकी सफलता में निश्चित रूप से ये सहयोग कर सके। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात बताने के लिए कि कोई भी विषय जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे, तो उस समय आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतिहास पढ़ा था, भूगोल पढ़ा था, अर्थशास्त्र पढ़ा था, या फिर राजनीति विज्ञान। तो कहने का मतलब है कि विषय आपकी परीक्षाओं में
कोई मायने नहीं रखता है। सिलेक्शन आपका जिस विषय से हो जाए वही विषय आपके लिए बेहतर है। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री के साथ अपनी परीक्षाओं को दे रहे हैं, सफलता अगर नहीं मिल रही है, तो एक बार आप ज्योग्राफी की तरफ ज़रूर मूव करके देखें। निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा एक अलग फीलिंग आएगी और थोड़ा सा आप हो सकता है कि ज्योग्राफी रख करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।